खबरें तो आपने पढ़ ही ली होंगी, खाम तेल की आलमी मंडियों में जबरदस्त क्रैश, यहाँ तक कि WTI खाम तेल की कीमत मनफी तक चली गई। जी हाँ, थियोरेटिकली खरीदने पे उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। ये मुमकिन कैसे है और क्या इसका पाकिस्तान की ऑयल मार्केट पे कोई असर पड़ेगा? देखते हैं इन प्रॉफिट एक्सप्लेन्स। ऑयल मार्केट से क्रैश के पीछे बुनियादी तौर पर तीन वजूहात हैं। पहली, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के बहुत मुल्कों में सोशल डिस्टेंसिंग या मुकम्मल लॉकडाउन, और इनकी वजह से एक जबरदस्त डिमांड सप्रेशन, तेल की खरीदारी ही में एक तारीखी कमी वाकई हुई है। दूसरी, जियोपॉलिटिक्स, रूस और सऊदी अरब के बीच में ट्रेड वॉर, जिसकी वजह से दोनों ममालिक ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दी, यानी ऑयल मार्केट में ग्लट। तीसरा, पहली दो वजूहात की वजह से मार्केट में तेल ज्यादा, डिमांड कम, और कम डिमांड को रिस्पॉन्ड करने के लिए सप्लाई रिस्ट्रिक्ट भी नहीं की जा सकती। ऑयल वेल्स फैक्ट्रियों की तरह थोड़ी ना होते हैं जिनको ऑन ऑफ किया जाए। सवाल, इस इजाफी ऑयल को जिसको कोई खरीद भी नहीं रहा, स्टोर कहाँ करेंगे? अगर प्रोडक्शन हो रही है, डिमांड नहीं हो रही, मीनिंग देयर बाय के स्टोरेजेस जो है वो फिल होना शुरू हो गई है। अब स्टोरेजेस की कैपेसिटी जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई है, प्रोडक्ट अब जो है वो स्टोरेजेस में स्पेस अवेलेबल नहीं है। प्लस ये है कि उसके अलावा ऑयल टैंकर जो है वो सी में इस वक्त मौजूद है ऑयल प्रोडक्ट को लेके, तो स्टोरेजेस जब फिल हो जाती हैं तो उस वक्त उस मार्केट का क्रैश करना लॉजिकल है। जी हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी इतनी कम हो गई कि अमेरिका में ऑयल कंपनीज की स्टोरेज खाली करने पे उल्टा पैसे आपको मिल सकता है। लेकिन इस सब का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? देखें, पाकिस्तान अपनी 85% ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। कुछ इंपोर्ट क्रूड ऑयल हम बास समेत अपनी लोकल क्रूड ऑयल के अपनी 6 रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, और बाकी हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट करते हैं। ये सब बाय एंड लार्ज हम गल्फ मार्केट से इंपोर्ट करते हैं। लोकल मार्केट में प्राइसिंग की मैकेनिज्म्स कुछ यूं हैं कि प्राइस बेसलाइन मौजूदा क्रूड ऑयल प्राइस की नहीं होती, बल्कि तब की होती है जब हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया होता है। इसके बाद इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कमीशन लगता है, फिर पेट्रोलियम लेवी लगता है जो कि 30 रुपए तक जा सकता है, और उसके बाद 17% GST। जैसे कि जिक्र किया गया है, बेसलाइन पिछले महीने की $69 पर बैरल पे है जब इंपोर्ट की गई थी। ठीक है, लेकिन क्या अगले महीने से हम लो ऑयल प्राइसेस से मुस्तफीद हो पाएंगे? शायद नहीं। Let's assume that, so last year we were buying at about 70, 60 to 70 dollars, and this year it's an average of 30. So if oil prices have crashed by 50% as compared to last year on an average basis, the government will only pass on maybe 10 to 15% of that benefit to consumers. It will try to retain 30 to 35%. With itself, and obviously, opinions can differ on this, but in my opinion, that would be the right move under the current circumstances, because the fiscal deficit this year will naturally be higher because of the economic slowdown, low tax collection, higher expenditure, obviously to counter COVID-19, negative impacts. So I don't think consumers should expect, a steep fall in their fuel buying price.